तो कल मैंने क्लोज नहीं किया, कल अराउंड 22.5 किलोमीटर मैं चला हूँ, 22-23 किलोमीटर। और आपने देखा ही काफ़ी एडवेंचर था, अकेला ही सिर्फ मैंने ट्रैक किया, किसी ने नहीं और ट्रैक किया वो कल। और विंच वहाँ पे कोई रुकने का साधन नहीं था, तो फिर वापस आ गए। और ये जो बारिश के मौसम में ना, ये जो लीचीज़ है ना, इनका बड़ा पंगा है, बहुत खून पिया भाई इन्होंने, बार बार लग जा रही थी, फिर उतारना पड़ रहा था। मज़ा आया, रिवर साइड होम स्टे, ऑफ सीज़न था, रूम्स काफ़ी चीप थे, खाना अच्छा था, पीसफुल था, बहुत मज़ा आया। मतलब रिवर के साइड में, अब रिवर में पानी काफ़ी कम हो गया है, कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था, आज तो एकदम स्टेबल हो गया। तो मेरे साथ में यहाँ पे भी और जो लोग रुके हुए थे वो निकल गए, तो मैं भी आज निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, अराउंड 1:30 बजे। तो देखते हैं, रास्ते मंडी साइड तो खुले नहीं है, पालमपुर की साइड से जाने का कोशिश करते हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा कल से ही, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो वो थोड़ा अभी एक इशू है, वरना यहाँ बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए, पीसफुल है। तो चलो, आज कल वाला डे का आज ओवर करते हैं और आज के डे का आज शुरू करेंगे। तो एक सिंपल लाइफ, सिंपल से इधर रिजर्वोयर है, और रिजर्वोयर में काफ़ी पानी है, तो इस साइड देखोगे तो इस साइड भी पानी काफ़ी जा रहा है, तो अच्छा खासा पानी जा रहा है। प्यारा सा टाउन, स्लीपी तो नहीं कहेंगे, हैपनिंग तो है, बट फिर भी एक सिंपल सा टाउन है और बहुत पीसफुल है ओवरऑल। बहुत रिजर्वोयर्स है काफ़ी बड़े बड़े, तो बहुत मज़ा आया यार। अब बहुत से जज में बता रहा हूँ, मेरा जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना पीसफुल, इतनी शांति है ना, क्या ज़बरदस्त सा फीलिंग था। लेकिन चलो, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, देखते हैं। रास्ता कुछ ख़राब बता रहे थे एक दो जगह, तो रास्ता खुल गया है कि नहीं खुल गया, लेट्स सी, है ना। तो ट्राउट फिश के लिए भी मशहूर है बड़ौद, ट्राउट इधर तेज चला के लाते हैं भैया बाइक वाले, हेलमेट तो पहनते नहीं है, ट्रिपल राइडिंग और करते हैं, है ना। कैंप्स भी बहुत है इधर, पता नहीं अभी चालू हैं कि नहीं, तो अभी कई तो चालू थे ही नहीं जब हमने लास्ट टाइम पूछा, आज तो पूछा था। वाटरफॉल तो बहुत मिले हैं सारे रास्ते, दुनिया भर के वाटरफॉल, बहुत सुंदर है, घना जंगल है, बहुत घना जंगल है, और जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है, जगह जगह पानी गिर रहा है। इसके फायदे भी है और नुकसान भी है, कम बारिश हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम उसको एंजॉय कर सकते हो, बाकी तो जो है सो है। तो कर रही है बारिश के ऊपर से पानी आ रहा है, तो अभी तो रोड ब्लॉक्ड है, तो खड़े हैं, तो आज तो रास्ते भर ये मिलने वाला है, कहीं कहीं जाम, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, देखते होपफुली सेफ रहे जर्नी, है ना। ये तो अभी बाद में ही हुआ है, हमारे से आगे कोई इनोवा वाले गए हैं, वो तो निकल के लगता है, ये लगता है उसके बाद हुआ है। ये देखो भादे खच्चर चल रहे, ये रास्ता बेसिकली हमको पहाड़ पहाड़ के ऊपर से लेके जाएगा, है ना। एक रास्ता नीचे से भी है, मंडी होके ही सोच रहे हैं जाने के, क्योंकि अब पता नहीं है, तो रास्ता दिखा रहा था गूगल, तो अब लोग तो होता तो रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था, पर कुछ कह नहीं सकते। नीचे वाला रास्ता ब्लॉक्ड है जो मंडी जाने वाला, तो ये रास्ता है ऊपर पहाड़ पहाड़ के ऊपर से, तो अभी हम पहाड़ पहाड़ के ऊपर ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं। एक बार पहले भी बड़ौदा आया था तो मैं इसी रास्ते से गया था, इस रास्ते पर पूरे बादल होंगे, हालाँकि रास्ता ऐसे ही है टुटा फुटा था, लेकिन इस रास्ते पे पूरे बादल 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 मिलेंगे, और ये बिल्कुल टॉप पे है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। चलो नीचे देखो क्या माहौल है, है पूरे बादल है, डिसीजन होते हैं, सही डिसीजन है कि गलत है पता नहीं, लाइफ इज जस्ट अबाउट।
ब्यूटीफुल है ना, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से कुछ लैंडस्लाइड हो रही है भी यार, लैंडस्लाइड हो रही है, कुछ हो रही है। कैसे बादल नीचे से ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। अब ये देखोगे ना, ये तो सुपर ऑसम जगह है। यहाँ पर हमने पिछली बार टेंटिंग कैंपिंग करी थी, ब्यूटीफुल रास्ता थोड़ा ख़राब है बट ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल है सारा चीज़, रास्ता नैरो है लेकिन सही है चलने वाली चीज़। लुक एट द सीन मैन, ऊपर से ऊपर कोई वो है यहाँ पे रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस वगैरह सामने जो ऊपर है वो गेस्ट हाउस है, तो कोई मंत्री शंत्री या कोई भाई साहब आया होगा है ना, जो अपनी गड्डी घुमा रहा है। इधर एक छोटी सी लेक है यार, पानी उधर देख पा रहे हो, ब्यूटीफुल है सब सीन, बिल्कुल टॉप पे है। इंस्पेक्शन हट सोटो बना रखे यार, लोग अपनी मौज मस्ती करने आते हैं, नेता अभिनेता बट्टर रोड पे हम चल रहे हैं भाई, बट दिस इज वर्थ इट, रोड यही लेना भैया चाहे छोटा फूटा हो, क्योंकि व्यूज आते हैं इसके अंदर जबरदस्त वाले। अभी बिठाने का चेक कर रहे हैं क्या, निकल वो पता नहीं कौन सी जगह, पदूर पदर है, पादर पदर है शायद आई थिंक, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है सीन, क्या ठंडक है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया सी ठंडक सी मज़ेदार सी लग रही है, ज़बरदस्त। उधर कहीं मंडी है, इधर कहीं जोगिंदर नगर और क्या नाम है पालमपुर, मज़ा आ गया यार लेकिन इस बार ट्रिप का, हालांकि थोड़ा रिस्की है अभी जब तक कि मंडी पार नहीं कर लेते और आगे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि इस मौसम में बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि बार बार आपको लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता ही है। साइड भी घाटी है, दोनों साइड घाटी है, इधर भी घाटी और इधर भी घाटी है, तो बिल्कुल एकदम जो हिल टॉप कह सकते हो ना उस पर चल रहे हैं। अरे बादल देखो, इस साइड से क्रॉस करके इस साइड से, ये रोड जैसी जो रोड कोई नहीं है, है ना, जहाँ पे दोनों साइड आपको मस्त मस्त घाटियाँ दिख रही हैं दोनों साइड, अरे देखो बिल्कुल दोनों साइड घाटी है, इस साइड भी घाटी है और इस साइड भी, बिल्कुल ये रोड टॉप पे चल रहा है बढ़िया वाला। वो नदी है, वो नदी है ना, एक चुहर घाट, चुहार घाटी, कोई बड़ा गांव कोई जगह ऐसी स्पेशल है इधर ऊपर तक लोग बसते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, वहाँ ऊपर सामने पहाड़ पे भी लोग हैं, अरे बाप रे काफी ऊंचा पहाड़ लग रहा है। तो कहाँ से सर? चंडीगढ़ से सर। पौड़ी पानी छे भैया पानी, तो इधर देखो कैसा रोड है भाई, कैसा सुंदर सा मस्त जबरदस्त है भाई,
पूरी ऑफ रोड है। इधर देखो कुछ छोटे पॉइंट से बना रखे हैं लोगों ने, जगह है बहुत कम, निकालना जरूरी है। क्या बात है भैया, ऐसे तो ट्रैफिक जैम लग जाएगा। जेएनके वाले की गाड़ी भैया चोरी है, हमारी चोरी नहीं है उतना जितना बाकी उनका है। बाकी एक रेस्टोरेंट टाइप है, होटल छोटल रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट पता नहीं, बढ़िया बड़े अच्छे से बनते ऊपर आ रही है। रास्ता बहुत सुंदर है, अब जाना कहाँ है ये नहीं पता। पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा जाम। गाड़ी चली जाएगी, यहाँ से पूरा पानी आ गया ऊपर से, मंडी के बीच में है, मंडी को पार कर रहे हैं, पूरा पानी 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 आ रखा। रास्ता बना लिया भाई, तो बनाएगा ना, जो नाले पुराने थे उनके अंदर आप घर बना लोगे, उनको ब्लॉक कर दोगे तो वो कभी ना कभी तो आएंगे ना पानी में, तो फिर वो तबाही लाते हैं। उधर देख लो पूरी मिट्टी पत्थर, इस साइड भी वही है, उस साइड थोड़ा खुल गया है तो चल रहे हैं लोग। ऐसा रास्ता ही ऐसे है मैंने देखा है, ये तो आपको बस ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि क्या हाल हुआ हुआ है, सारे रास्ते बुरा हाल है।